कि बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। लाइक करें, सरप्राइज करें जी, वीडियो अच्छी लगी हो। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एनर्जेटिक होने वाला है क्योंकि आज है हनुमान जन्मोत्सव और प्रकट उत्सव। एक घंटे बाद 7:30 बजे मंदिर पर जाऊंगा हनुमान जी बाबा के मंदिर पर, तो बढ़िया प्रसाद चढ़ा के आएंगे। गाइस अब सुबह हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, बिस्तर छोड़ दे। बिस्तर छोड़ दिया और उस बिस्तर को लगा भी दिया सही से। सो गाइस सुबह सुबह उठते ही मैं आ रहा हूँ मठा लेने और मैं गाइस ऐसा चल देता हूँ बिकॉज अरे हम तो फकीर आदमी है, जगह लेके चल पड़ेंगे भाई। सुगैस मठा लेके आ चुके हैं, सुगैस मैंने नहा लिया है, नहा धो लिया है, अब चलते हैं प्रसाद लेकर। सुगैस मंदिर आ चुके हैं, मंदिर पे गए सारे रामायण है, मंदिर से आ चुके हैं, अब चलते घर पे। मंदिर पे काफी भीड़ थी तो मैंने वीडियो भी बना पाया, वैसे भी अच्छा नहीं लगता कहीं बनाते हुए वीडियो, ये मेरे को ठुक देना यार। वैसे मंदिर वगैरह पे बनाते हुए वीडियो अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए मैं वैसे भी नहीं बनाया। तो अभी गए घर पे चल रहे हैं और प्रसाद बांटते हैं अभी मेरे बच्चों को। प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद। मंदिर से तो आ चुका हूँ, मंदिर से आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए और खाना पीना भी खा लिया। मैं डबरा जाऊंगा इस बिकॉज फोन में बैटरी कम बची और लाइट नहीं आ रही है। बिकॉज अभी गेहूं की कटाई चल रही है तो कंबाइन वगैरह चलती है ना, तो लाइट्स वगैरह अभी ऑफ है वहीं से डायरेक्ट जहां से आती है। तो फाइनली गाइस अब जा रहा हूं मैं शाम के 4 बजे डबरा, बिकॉज फोन चार्ज करना है, लाइट नहीं आएगी शाम के 7 बजे तक आई थिंक। तो जब तक 6% बैटरी बची है तब तक क्या करूंगा, ब्लॉग्स कैसे बनाऊंगा, ब्लॉग कैसे बनाऊंगा, कैसे आपको वीडियो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स दिखाऊंगा। तो चलिए अपना फोन चार्ज करके लाते हैं, 1 घंटे का फोन वापस आ जाऊंगा। तो चलिए अपने धनों से बस मैं आया था रास्ते में और हनुमान जी बाबा का प्रसाद मिला, मतलब भंडारा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तो प्रसाद खा रहा हूँ और सामने मंदिर है प्यारा सा। गाइस मैं अपने आप को भंडारा खाने से रोक कैसे पाता, भगवान श्री राम का नाम मन में आ गया और पैर अपने आप रुक गए, तो मजा आ गया प्रसाद खा के। चलिए चलते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं, मतलब जारी रखते हैं बिकॉज थोड़ा सा दूर हो रहा है और फोन में सिर्फ 2% बैटरी बची है बस। सुबह चाचा की मेरे शॉप थी तो शॉप में लगा देता हूँ चार्जर, इधर सॉकेट है। चाचा जी कर रहे हैं पेंट, देखो कैसे एक मोटर को बिल्कुल शाइनी बना दिया जा रहा है चाचा के द्वारा, नाइस, बिल्कुल कलरफुल हो गई है, ब्लैक कलर न्यू लगने लगी गाइस बिल्कुल। तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? सेकंड। अच्छा सेकंड, तू तो सेकंड कह रहा था, जल्दी बता। सेकंड क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में जाता है? दून पब्लिक। अच्छा दून पब्लिक स्कूल। गाइस ये लड़का बहुत उत्तम करता है, आपको मैं क्या ही बताऊं, इसमें थप्पड़ देने का मत करता है, इसे थप्पड़ मेरे हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, लाइक करें, सरप्राइज करें जी, वीडियो अच्छी लगी हो। सरप्राइज? अरे सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब 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 क्या करें, सब्सक्राइब 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 तुमसे ना हो पाएगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अबे साले तेरी तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हाँ अब बोला गाइस सही से, नाइस। ये हमारा घर बनना है। अच्छा बहुत बड़ा घर बनेगा। हाँ गाइस इनका बहुत बड़ा घर बनेगा, और क्या बनना है? बड़ा गेट लग रहा है। अच्छा बड़ा गेट लग रहा है, बड़ा गेट गाइस वो है वहाँ पे आपको देख सकते हैं। हाँ लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे। सो गाइस इसकी बहुत सुन ली भगवान, इसका लाइक सब सरप्राइज चल रहा था और चाचा की चल रही गाइस मोटर बना रहे हैं चाचा जी, उनकी ये शॉप है और चाचा जी कर रहे हैं काम विद सीट। देखो गाइस सीट लोगों की तून निकली होती है, हमारे चाचा की नहीं है, यानी कि हमारे चाचा वर्कआउट करते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, जो मोटरों की दुकान होती है ना तो उस पर मोटर को ऐसे साफ किया जाता है, देखो अंदर से इसमें तेजाब डालकर तेजाब से ये साफ हो जाती है, जिससे भरने में आसानी होती है और नीट एंड क्लीन हो जाती है, जिससे अच्छी लगती है मोटर देखने, बिल्कुल न्यू वाली फीलिंग देती है। तो देखो तेजाब डालकर चाचा जी ने पूरी साफ कर दी है, बिल्कुल न्यू लग रही है। फोन मैंने काफी सारा चार्ज कर लिया है, अब चलते घर पे बिकॉज घर पे भी लाइट आ जाएगी तो घर पे कर लेंगे, कुछ शाम भी होगी है। सो
सो गाइस घर आ चुके हैं। सो गाइस एक देखो, मतलब मैं घर पे आया तो लाइट आ गई। ये देखो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है। मतलब मैं डबरा का जा फोन चार्जर के लाया और घर पे आया तो लाइट आ गई। वाह ए मेरे इलेक्ट्रीशियन, तेरा जवाब नहीं। सनसेट हो गया है तो बहुत काफी बुरा लग रहा है, बट सनसेट का बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस आज मेरे फेवरेट बनने हैं आलू के पराठे, तो घर वाले बोल रहे हैं कि तेरे फेवरेट हैं तो तुझे ही छीलने पड़ेंगे, तो गाइस मुझे छीलने पड़ रहे हैं। जब तक आलू के पराठे की प्रिपरेशन चल रही है जब तक मैं दूध लेके आ चुका हूँ। सो गाइस आज आलू के पराठे पराठे देख खाते खाते हम देखेंगे आरसी वर्सेस के क्या मैच। अभी कमेंट्री चली टीवी में सामने, लेकर मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगा। नहीं 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 गाइस लाइट चली गई है और ये बस मच्छर पिन पिन कर रहे हैं, पिन पिन पिन। ये देखो अगर आपको दिख रहे हो तो थोड़े बहुत। सो गाइस लाइट आ चुकी है, लाइट आने के बाद अच्छा लगता बहुत ज्यादा, कितना सारा उजाला हो रहा है। आलू का भरता बन चुका है, अभी कुछ टाइम में आलू के पराठे बनेंगे तो बढ़िया मजे लेके खाएंगे। गाइस मैं मोबाइल पे मैच देख रहा था बट मुझे अभी पता चला कि टीवी मैच आ रहा है तो मैं टीवी पे देखूंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगा। आलू बन चुका है, बहुत फेवरेट, मैं बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो खाते हैं। वाह सुकून मिल रहा गाइस, वो फेवरेट चीज खा के बहुत ही मस्त बना है। तो गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ आरसीबी का मैच देखना मत भूलना, बाय बाय।